सभी का स्वागत है। ये लेसन सेकंड का पार्ट सेकंड है। हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइस के बारे में, कौन से होते हैं इनपुट डिवाइस। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आउटपुट की डेफिनेशन देखेंगे, आउटपुट डिवाइस होता क्या है। देखो, यूजर जो भी डेटा इनपुट करता है ना, ठीक है, और वो इनपुट किया हुआ डेटा हम जिन डिवाइस के द्वारा प्राप्त करते हैं या रिसीव करते हैं, वो सभी डिवाइस क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस टू टाइप के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एंड सेकंड वन इज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, वो आउटपुट डिवाइस जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, हम उन आउटपुट को मॉनिटर की स्क्रीन पर, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव पर देख सकते हैं, बट उनका प्रिंट नहीं निकलवा सकते। वो सारे कौन से होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। अभी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे थ्री टाइप्स हैं इसके, मॉनिटर, प्रोजेक्टर एंड स्पीकर। मॉनिटर के भी थ्री टाइप्स हैं, CRT, LCD एंड LED। ये मॉनिटर्स के क्या है, टाइप्स हैं। ठीक है, अब हार्ड कॉपी में टू टाइप्स हैं, प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्रिंटर के फिर दो टाइप है, इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इंपैक्ट में फिर टाइप है, दो टाइप है, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। ठीक है, कैरेक्टर में फिर टू टाइप्स है, कौन से, डेजी व्हील कैरेक्टर प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन में दो टाइप है, चेन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट में थ्री टाइप है, इंक जेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। प्लॉटर में दो टाइप है, फ्लैट बेड प्लॉटर एंड ड्रम पैन प्लॉटर। ये पूरा आउटपुट डिवाइस का एक चार्ट है। ठीक है, ध्यान से इस चार्ट को देख लेना, समझ लेना, क्योंकि इस चार्ट से ही क्वेश्चंस ज़्यादा मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लेंगे कि प्रिंटर के कौन से टाइप होते हैं, या कैरेक्टर प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर होता है, ठीक है, फ्लैट बेड क्या है। तो आपको इस चार्ट के बारे में पता होना चाहिए। इस चार्ट से पूरा हमें पता चल रहा है कि किसका कौन सा टाइप है, कौन सा हार्ड कॉपी का है, कौन सा सॉफ्ट कॉपी का है। तो इसको अच्छे से एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस देखेंगे। सॉफ्ट कॉपी में पहला कौन सा था, मॉनिटर। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में फर्स्ट कौन सा था, मॉनिटर। हाँ, मॉनिटर क्या होता है, जब भी यूजर डेटा इनपुट करता है ना, तो उसका आउटपुट हम मॉनिटर की स्क्रीन में ही देखते हैं। ठीक है, तो ये भी किस टाइप का आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्री टाइप्स है, ठीक है, CRT मॉनिटर, LCD एंड LED। CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। ध्यान रख लेना,
एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको फुल फॉर्म तो याद करनी ही करनी है। नेक्स्ट है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये एलसीडी की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप एकदम अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। तो मैंने मॉनिटर के बारे में बता दिया था, मॉनिटर क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट है मॉनिटर के टाइप, सीआरटी एलसीडी एंड एलईडी। सीआरटी मॉनिटर के बारे में देखना, सीआरटी मॉनिटर सीआरटी टेक्निक्स पर वर्क करते हैं, ठीक है। किस पर? सीआरटी टेक्निक्स पर। जो सीआरटी मॉनिटर होते हैं ना, उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, मतलब उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती थी, ठीक है। सीआरटी की, सीआरटी जो सीआरटी है ना, साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, और उनकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, और उनको रखने की भी क्या ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी, ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर सीआरटी टेक्निक्स पर वर्क करते थे, और इनको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती थी, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता था, बड़ा होता था, और इसमें जो क्वालिटी होती थी ना, वो बढ़िया नहीं आती थी। जो हमारे पास पुराना टीवी था, जिसके ऐसे पीछे से ट्यूब सी निकली हुई होती थी, ठीक है, वो कौन से होते हैं, सीआरटी टेक्निक पर होते हैं, ठीक है, थीके? इनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं होती है। नेक्स्ट है एलसीडी, एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सीआरटी की तुलना में काफ़ी अच्छे मॉनिटर है, ठीक है, और इनको रखने के लिए ज़्यादा स्पेस की भी नीड नहीं होती, ठीक है, इनके साइज़ भी छोटे होते हैं। तो और एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होती है, ठीक है, मतलब एलसीडी सीआरटी से काफ़ी गुना बढ़िया होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी जो है ना, सीआरटी और एलसीडी दोनों मॉनिटर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इनको रखने की कोई स्पेस की भी नीड नहीं होती, साइज में भी ये छोटे होते हैं, ठीक है, इनको वॉल पर भी हैंग करके हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब इसको स्पेस की नीड नहीं होती है, ठीक है, और ये लाइट के फॉर्म में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गए मॉनिटर के टाइप्स। फिर से देख लेते हैं, मॉनिटर में 3 टाइप है, सीआरटी एलसीडी और एलईडी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, जो सीआरटी टेक्निक पर यूज करते हैं, ठीक है। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। अभी सबसे ज्यादा यूज में आने वाला मॉनिटर कौन सा है? एलईडी, ठीक है। ये हो गए हमारे सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर के टाइप। नेक्स्ट देखना स्पीकर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर। स्पीकर, स्पीकर भी क्या है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। अगर हमारे सिस्टम में कोई भी म्यूजिक, कोई भी साउंड प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम स्पीकर के माध्यम से, यानी यूजर स्पीकर के माध्यम से उसको लिसन कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का यूज, कोई चीज़ हमें बड़ी स्क्रीन पे देखना हो ना, कोई आउटपुट हमें बड़ी स्क्रीन में शो करवाना हो, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रोजेक्टर का, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी क्या होते हैं? हार्ड कॉपी वो डिवाइस होते हैं जिनका, जिनके द्वारा हम प्रिंट निकलवा सकें, मतलब यूजर क्या कर सके, उनका प्रिंट निकलवा सके, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी में हम पढ़ेंगे प्रिंटर। टू टाइप थे, प्रिंटर एंड प्लॉटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंटर। प्रिंटर के टू टाइप थे, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो प्रिंटर क्या होता है, जब भी यूजर को कुछ प्रिंट करवाना होता है ना, ठीक है, तो वो किसके द्वारा प्रिंट करवाया जाता है? प्रिंटर के द्वारा। तो प्रिंटर एक मशीन होती है जिनके द्वारा यूजर प्रिंट निकलवा सकता है, ठीक है। प्रिंटर में दो टाइप है, इम्पैक्ट
इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब होता है अपना प्रभाव डालना, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो यूजर जब प्रिंट कमांड देता है ना, तो इन प्रिंटर के द्वारा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, मतलब प्रभाव अपना प्रोड्यूस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जब यूजर द्वारा प्रिंट का कमांड दिया जाए तो ये प्रिंटर साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इम्पैक्ट प्रिंटर टू टाइप के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। देखो कैरेक्टर समझ लो पहले। कैरेक्टर प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में ओनली वन कैरेक्टर प्रिंट करें। जैसे यूजर जब भी प्रिंट का कमांड देगा ना, तो कैरेक्टर प्रिंटर के द्वारा ओनली वन कैरेक्टर प्रिंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अभी जैसे अपन प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट करवाने जाते हैं, तो ये अगर ये लिखा हुआ है तो ये पूरा एक बार में प्रिंट कर देते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर में क्या होता था, कैरेक्टर प्रिंटर में एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करते थे। जैसे एक बार जब यूजर, ठीक है, प्रिंट कमांड देगा ना, तो ओनली आर प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम ए प्रिंट करेगा, नेक्स्ट टाइम एम। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रिंटर है, ठीक है, कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर। क्यों? क्योंकि ये वन से टाइम ओनली एक कैरेक्टर या वन कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रिंटर है। कौन से, कैरेक्टर प्रिंटर। क्यों? क्योंकि ये एक बार में ओनली वन कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे कैरेक्टर प्रिंटर कहा गया है। और ये किसका टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर का। इम्पैक्ट कैरेक्टर के फिर दो टाइप है, डेजी व्हील, ठीक है, डेजी व्हील हो गया एंड डॉट मैट्रिक्स। कैरेक्टर प्रिंटर के दो टाइप है, डेजी व्हील एंड डॉट मैट्रिक्स। डेजी व्हील पहले पढ़ लेते हैं। डेजी व्हील क्या होता है, डेजी व्हील ये जो प्रिंटर है ना, ये इम्पैक्ट में कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर है, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर है। इस प्रिंटर का जो शेप होता है, आकार होता है, वो डेजी फ्लावर के जैसा होता है, ठीक है, गुलबहार का फूल। डेजी फ्लावर से इंस्पायर होके इस प्रिंटर का क्या नाम रखा गया है, डेजी व्हील। जब क्योंकि ये कैरेक्टर प्रिंटर का टाइप है, तो ये एक बार में कितना कैरेक्टर छापेगा, एक बार में ओनली वन कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर होता है, ये वन टाइम में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है। और ये डेजी व्हील का जो यूज है प्रेजेंट टाइम में प्रॉपरली क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। प्रेजेंट टाइम में डेजी व्हील एकदम बंद हो चुका है, क्योंकि यूजर को क्या है, काम एकदम फास्टली चाहिए, ठीक है, यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वेट करे और एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो उतना वो वेट करे, ठीक है, तो इस डेजी व्हील का यूज एकदम बंद हो चुका है। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स क्या करता है, ये भी इम्पैक्ट में कैरेक्टर टाइप का प्रिंटर होता है, मतलब ये भी एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, बट ये डॉटेड फॉर्म में यूज करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राधा लिखा, ठीक है, ये नॉर्मली लिखा हुआ, डॉट मैट्रिक्स में इसको कैसे प्रिंट करेंगे, डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, ऐसे का जो आउटपुट शो होता है ना, वो डॉटेड फॉर्म में शो होगा। ये किस टाइप का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स टाइप का। इसमें भी एट ए टाइम ओनली वन कैरेक्टर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं। जैसे कि हमने देखा डेजी व्हील का यूज प्रॉपरली पूरी तरह से बंद हो चुका है, बट डॉट मैट्रिक्स का यूज बंद नहीं हुआ। आज भी यानी प्रेजेंट टाइम में भी बैंकिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो लाइन प्रिंटर। लाइन में टू टाइप के प्रिंटर है, चेन प्रिंटर एंड नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर कौन से होते हैं, जो एक बार में पूरी एक लाइन प्रिंट करें, ठीक है। लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो यूजर द्वारा प्रिंट कमांड दिया जाता है ना, तो ये एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करें। ये कैरेक्टर प्रिंटर से काफी अच्छे हैं, क्योंकि यूजर को वहां पे कितना ज्यादा वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था। बट इसमें क्या होता है, एक पूरी लाइन क्या करता है, प्रिंट करता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में और उस टाइम
यानी इस टाइम में अगर कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फर्क क्या होता है कि इसमें लाइन, ठीक है, एक पूरी लाइन आप तो पूरा पेज प्रिंट होकर आ जाता है, तो बहुत ज्यादा फर्क है। बट इससे कुछ नहीं होने से तो थोड़ा अच्छा है, कैरेक्टर से तो बढ़िया है कि लाइन, कि एक पूरी लाइन छाप रहा है, ठीक है। तो लाइन में भी पहला कौन सा है, चेन, चेन प्रिंटर। इसका जो शेप होता है ना, वो चेन होती है ना साइकिल की चेन, ठीक है, उसके उस पे उसकी तरह है, जैसे ऐसे चेन हो गई, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टर छपे होते थे, क्या छपे होते थे, कैरेक्टर जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ऐसे कैरेक्टर छपे होते थे। जब भी यूजर के द्वारा प्रिंट का कमांड दिया जाता था ना, तो ये चेन क्या होती थी, रोल होती थी, ठीक है, क्या होती थी, रोल होती, जैसे जैसे रोल होती थी वैसे वैसे ये क्या करते थे, लाइन को प्रिंट करते थे। तो ये हो गए चेन प्रिंटर, जो एक बार में क्या करे, एक लाइन प्रिंट करे, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रम प्रिंटर। इसका आकार ड्रम की तरह, यानी इसका शेप ड्रम होता है ना, जैसे पानी वाला ड्रम, वैसा ही, ठीक है, इसका जो शेप था वैसा ही था। और ये भी कौन से टाइप के हैं, लाइन प्रिंटर टाइप के, ठीक है, ये भी एक बार में पूरा क्या करते थे, लाइन प्रिंट करते थे। नेक्स्ट एंड नॉन इम्पैक्ट में थ्री टाइप बताए थे, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल और लेजर। सबसे पहले थर्मल प्रिंटर, हाँ, ये जो दो प्रिंटर थे ना, इनका भी यूज क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है, क्योंकि अब तो पेज वाले आ चुके हैं, क्योंकि एक बार में पूरा पेज प्रिंट करते तो लाइन वाला तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। नेक्स्ट है इंकजेट और थर्मल और लेजर। तो सबसे पहले हम थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर क्या होता है, थर्मल प्रिंटर वो होता है जिसे यूज करने के लिए पहले यूजर को उसे हीट प्रोवाइड करना पड़े, ठीक है, मतलब प्रिंटर को गर्म करना पड़े, ठीक है। अगर मान लो प्रिंट कमांड दिया, कुछ प्रिंट करना है, तो पहले उसे प्रिंटर को गर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गर्म होने के बाद, प्रिंटर जब गर्म हो जाता है, तब वो क्या करते थे, अक्षर को छापते थे, ठीक है। मान लो प्रिंटर गर्म ही नहीं हुआ तो एक भी अक्षर नहीं छापेगा, और ज्यादा गर्म हो गया तो कागज को जला देगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा मैंडेटरी क्या है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंकजेट, इंकजेट इसमें इंक्स यूज होती है, ठीक है, इसमें कलरफुल प्रिंट किया जाता है, कलरफुल, ठीक है, जो अपन फोटोज वगैरह निकलवाते हैं ना, रंगीन, ठीक है, वो किसमें होता है, इंकजेट में, कलरफुल। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर। अभी जो यूज करते हैं ना लेजर प्रिंटर, सबसे ज्यादा यूज कौन सा प्रिंटर हो रहा है, लेजर प्रिंटर। इसमें एक बार में पूरा पेज छापते हैं, ठीक है, इसमें अक्षर ब्लैक में छापे जाते हैं। सबसे प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ये हमने प्रिंटर के टाइप पढ़ लिए, प्रिंटर में दो टाइप होते हैं, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट, और उनके हमने क्या पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए। अब आपसे पूछे करंट टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर या सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर है, ठीक है। इसको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है, एक बार में ये पूरा पेज प्रिंट करते हैं। यहाँ पे तो एक बार में कैरेक्टर, एक बार में पूरा एक कैरेक्टर, फिर एक बार में पूरी लाइन, और इधर एक बार में पूरा पेज प्रिंट किया जाता है, ठीक है, ये प्रिंटर के टाइप है। नेक्स्ट देखते हैं प्लॉटर क्या होता है। देखो प्लॉटर क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर बड़े बड़े बैनर, ग्राफिक्स, होर्डिंग्स, फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करता है, ठीक है, होर्डिंग्स हो गए, बैनर्स हो गए, फ्लैक्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, ठीक है। ये किनके द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, प्लॉटर के द्वारा, क्योंकि प्रिंटर क्या है, पेज में प्रिंट करता है। तो ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स, ग्राफिक्स, फ्लैट्स, बैनर्स वगैरह किससे प्रिंट करवाए जाते हैं, प्लॉटर से, ठीक है। प्लॉटर एक क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। इसके मैंने दो टाइप बताए थे, कौन से, फ्लैट बेड प्लॉटर, प्लॉटर, और दूसरा है ड्रम पेन प्लॉटर। देखो
फ्लैट बेड फ्लोटर कौन से होते हैं? फ्लैट बेड फ्लोटर का जो शेप होता है ना वो बेड की तरह होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, फ्लैट बेड फ्लोटर। जो बड़े बड़े ग्राफिक्स होर्डिंग्स जो एकदम बड़े बड़े होते हैं ना वो किसके द्वारा छापे जाते हैं? फ्लैट बेड के द्वारा। ठीक है, कौन से फ्लोटर के द्वारा? फ्लैट बेड फ्लोटर के द्वारा। और जो उससे छोटे होर्डिंग्स वगैरह होते हैं ना, जो छोटे छोटे टाइप में, जैसे इतने बड़े हो गए, ठीक है, बैनर वगैरह, वो किसमें यूज होते हैं, कौन से फ्लोटर से छापे जाते हैं? ड्रम पेन फ्लोटर से। अगर आपसे कोई पूछ ले फ्लोटर का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में सबसे ज्यादा फ्लोटर का यूज किया जाता है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या स्टडी किया। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन पढ़ी हमने। फिर कितने टाइप के होते हैं, जैसे ये टाइप दो टाइप के होते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, फिर मॉनिटर की टाइप है CRT, LCD, LED, ठीक है। फिर हार्ड कॉपी में हमने पढ़ा टू टाइप है, प्रिंटर फ्लूटर। प्रिंटर में टू टाइप है, इम्पैक्ट प्रोटर प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में टू टाइप है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ठीक है। कैरेक्टर के फिर टू टाइप है, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में टू टाइप है, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है ये। और फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमने देखा था, इसमें थ्री टाइप है, इंकजेट, थर्मल, लेजर। और फ्लोटर के टाइप बताए थे, फ्लैट बेड फ्लोटर, ड्रम पेन फ्लोटर। फिर हमने सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर के बारे में पढ़ा था, CRT, LCD, LED, इनके बारे में पढ़ा था, इनकी फुल फॉर्म हमने देख ली थी। नेक्स्ट स्पीकर क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट फिर प्रिंटर के टाइप हो गए, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट उसके टाइप्स, ठीक है। फिर फ्लोटर क्या होता है, फ्लोटर के टाइप्स पढ़े थे हमने। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।